गुरु जी मैं बहुत सारे उस्तादों के पास गया हूँ, अच्छा, बट मुझे कहीं से भी खर्च का सही तरीका नहीं मिला। इधर पंजाब और हरियाणा में गया, अच्छा, तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हुआ कि सही तरीके से मुझे खर्च का पता चल सके। ठीक, मैं समझ गया तेरी बात। ठीक, इसके लिए खर्च के रियाज को समझने के लिए आपको एक तो ओंकार के नाद को समझना होगा। अगर खर्च का पूरा लाभ लेना है आपने, तो वो ओंकार के नाद को समझ के करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप उसको समझ, आपको ओंकार के नाद की आपको समझ नहीं है, ठीक है, अगर आपको ओंकार के नाद की समझ नहीं है तो खर्च के रियाज से लाभ तो होगा, चाहे आप आकार में करते हैं आ से, चाहे आप करते हो सा का, बताते हैं उस्ताद लोग, बड़ी अच्छी बात है ये। मतलब खर्च का रियाज क्या होता है कि ये जो आवाज़ के अंदर छाती का जो बेस नहीं होता, तो उसके लिए सुबह का रियाज करते हैं, जिससे वो छाती से बेस मिले। और जब हम ओंकार के नाद की साधना करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ये भी छाती की आवाज़, गले की आवाज़ और नाक की आवाज़, ये मिक्स हो करके ये बाहर आती है। मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े, जितना मैंने इस पे स्टडी किया, तो इस पे सार। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। जैसे अभी बात हुई खर्च के बारे में, और वहीं पे ओंकार नाद, तो क्या ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कुछ फर्क है, ओंकार नाद और खर्च में? खर्च का रियाज ओंकार नाद की ना भी करो तब भी होगा। वो कोई आकार से करता है, जैसे आ का रियाज करता है, कोई सा का रियाज करता है, जी जी जी, ठीक है ना जी, वो खर्च होगा उससे जी जी। पर ओंकार के नाद में अगर आप उसके ओंकार के नाद में खर्च करोगे, अच्छा, तो आपसे दुगना चौगना आपको लाभ होगा। अच्छा। ये जो ओंकार का नाद है, ये आ ऊ और माँ तीन अक्षरों को मिलाकर बनता है, ठीक है, और इन तीन अक्षरों से पहले जैसे आ का रियाज करते हैं हम, आ, अगर हम आ ऊ मा, जैसे आ, मा पे आ ऊ मा, हाँ, तो इस पे होठ बंद करके उस पे आवाज़ ने को हमने छोड़ना है, होता है। इसमें क्या, इसमें छाती की आवाज़ भी आ गई, गले की आवाज़ भी आ गई, और ऊपर नाक की गूंज भी मिक्स हो गई। नीचे से आवाज़ पेट से आई खुली, सो गले से खुली आवाज़ आए और वो सीधी ऊपर तालू पे लगे, और आगे जो गाना या जो भी चीज़ बोलनी है वो जीभ से और होठों से आगे सुनाई जाए। तो ये बहुत उत्तम नाद है ये, इसको जितना, और सिंगर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये गाने की संजीवनी है, ये मान के चलो आप। जितना इस नाद को समझते चले जाओगे, इस प्रकृति को समझते चले जाओगे, और जितना इस प्रकृति को समझोगे उतना आप ईश्वर को समझते चले जाओगे। इस नाद को पकड़ लो, ये संपूर्ण नाद है, ये आपको संपूर्ण इंसान बना देगा, संपूर्ण सिंगर बना देगा। मतलब गुरु जी, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हम मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ना शांति नहीं है कहीं ना कहीं। मतलब एक मतलब चले जा रहे हैं, नहीं पता क्यों चले जा रहे, क्या कर रहे, पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है। ये जो ओंकार का नाद है जी, इसको जब हम करते हैं जी, तो ये हमारे अंदर जो ऊर्जा के साथ केंद्र है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं पता। ये सातों के सातों चक्रों को जी ट्यून करता है, एक्टिवेट करता है। अच्छा। जैसे ही वो आपके ट्यून, जैसे वो ऊर्जा वहाँ पे मरी पड़ी जी 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 जी,
तो आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, आत्महत्या करने की सोचेगी। तो हमारे साथ तो वो चक्र वो जो है वो बंद है, मतलब डीएक्टिवेट है। बस उनकी खुराक जो है एक तो ये ओंकार नाद की साधना जी, 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 और एक ध्यान। और ध्यान और ओंकार नाद में क्या फर्क होगा? ध्यान अलग चीज है जी, जी, ओंकार नाद की साधना अलग चीज है, पर ये दोनों चीजें आपको एक ही जगह ले जाती है जी। आप नाद के जरिए भी जी ईश्वर तक जा सकते हो, ध्यान के जरिए भी आप ईश्वर तक जा सकते हो जी। तो हमें कैसे करनी चाहिए गुरुजी ये ओंकार नाद कैसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, और गृहस्थी से जुड़े हुए क्या क्या लाभ हैं इसके? इसके बहुत लाभ हैं। इसके 90% तो शरीर की बीमारियों को ही खत्म कर देता है। इससे लाभ इसके इतने हैं कि इसको, चलो हम इसके साथ साथ मैं आपको वो खर्च का रियाज वो बता देता हूँ जो पूछा आपने। जी 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 बिल्कुल। तो उससे तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा, ये गाने वालों के लिए भी है जी, जी। और वैसे भी जो गृहस्थी लोगों, हाँ नौजवान, वो कोई भी कर सकता है इसको जी, 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 जी। जैसे तानपुरा बजा लो, अच्छा, उसके साथ में बैठ जाओ, अच्छा, या यूट्यूब पे आपको हजारों ही संगीत मिलेंगे, तिब्बत के मिलेंगे, यहाँ के इंडिया के मिलेंगे, उनको बजा लो जी, 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 उसके जी, साथ आप कर सकते हो। इसके फायदे इतने हैं कि मैं यहाँ पे आप गिनवाऊंगा तो बहुत लंबा, ये इस पे ओंकार के नाद पे मैंने बहुत लंबा रिसर्च किया है, अच्छा, अच्छा, और मैं बहुत इस पे लंबे मेरे कई एपिसोड बनेंगे इसके ऊपर, अच्छा, मैं बात करूँगा। तो अभी तो इसको तो यहीं पे छोड़ते हैं जी, 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 जी। इसके तो हम बाद में बात करेंगे जी, जी। क्योंकि वो एक अलग मैटर हो जाता है जी। और ये अब हम बात करते हैं कि खर्च कैसे किया जाए जी, आवाज को अच्छा कैसे किया जाए जी, जी। तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए इस पे सारे एक मत हैं भारत के कि ओंकार नाद गाने के लिए सबसे उत्तम नाद माना जाता है, और मैंने इस नाद पे सबसे ज़्यादा काम किया बहुत लंबा समय। आपके सामने मैं यहाँ पे मुझे बैठे हुए 14-15 साल हो गए इसी कुटिया में जी, 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 जी। तो इसकी ओंकार नाद को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये जो रियाज है इसको दिन में हम जैसे 3 सप्तक हैं हारमोनियम के, मंदर मध्यम और तार जी, जी। हमने निचले सुबह के टाइम में नीचे के सप्तक पे ही काम करना है जी, क्योंकि सुबह के समय हमने आवाज को हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करने की, और सुबह का टाइम उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और सुबह के टाइम में नीचे ही गाना चाहिए जी, नीचे ही बोलना चाहिए। और जो उस्ताद लोग हैं वो बच्चों को नीचे ही बताते हैं, जैसे भैरव राग बता दिया या भैरवी, ये सुबह के राग हैं जी, जी। उन पे अलंकार करते हैं बच्चे सही। तो अलंकार बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे संगीत में अलंकारों ने ही काम आना है जी। पर जो खर्ज का रियाज हम ठहर के करते हैं किसी स्वर पे जी, अगर किसी स्वर पे हम ठहर के करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है जी। अगर हम आकार में करते हैं आ करके जी, तब भी, अगर हम सा करके करते हैं तब भी उसका फायदा है जी। और अगर हम इसको ओंकार नाद में बोलते हैं जैसे अब आप ध्यान से सुनना अब हम आ करके बोल रहे हैं जी। तो हमारा स्वर तो यहाँ मैच है बिल्कुल, हमारा स्केल यहाँ मैच है जी। पर आवाज मैच नहीं है, नाद मैच नहीं है। इसको समझना, पूरे ध्यान के साथ समझना इसको जी। जैसे अब मेरा स्वर ये है जी, पर नाद मैच इस हारमोनियम से नहीं हो रहा है। आ,
अब देखो जब मैं ओम पे जाता हूँ तो मेरी आवाज हारमोनियम के स्वर से पूरी तरह से आवाज नाद मैच हो जाता है जी जी। और जब मैं आ या सा बोलता हूँ तो मेरा स्वर तो यही है जी जी, पर नाद ये नहीं है, इसलिए उस ओंकार नाद को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं हम खरज की जी। सुबह के टाइम में क्योंकि हमने नीचे ही गाना है जी, ऊपर तो आना नहीं, इसलिए हमने ठहर के गाना है, तो आपने नीचे से नीचे अपनी आवाज़ को लेके जाना। आम तौर पे जो नए सीखने वाले बच्चे हैं, जो नए गाने वाले हैं, उनकी आवाज़ नीचे यहाँ तक, किसी की यहाँ तक, कोई कोई लड़के हैं उनकी यहाँ तक भी लगती है नीचे को जी जी। तो आपकी मान लो आवाज पा पे लगती है यहाँ जी जी, सुबह आपने रियाज यहाँ करना, इसमें लंबी सांस लेके और लंबा बोलना है, ऐसे आराम से चले जाना जी, आवाज को बंद करना है, होंठ बंद करके जी, होंठ बंद करके आवाज को छोड़ना है, जैसे इस स्वर पे आपने 4-5 दिन तक जी टिक के रियाज करना है, ऐसे ही एक स्वर को दबा लेना है, तो चलते रहो, लंबी सांस ले लेके करते जाओ करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप 2-4 दिन आपकी आवाज़ वहाँ पके, पूरी स्वर पे अच्छी तरह से लगने लगे, आधा स्वर नीचे उतर जाओ जी। फिर लगभग 1 हफ्ता इस पे करो, जब आप अच्छी तरह से आपकी आवाज़ यहाँ पके सही से लगने लग गई, आधा स्वर फिर नीचे उतर जाओ जी। जब यहाँ पे अच्छी तरह से आवाज़ लगनी शुरू हो गई तो फिर आधा स्वर और नीचे उतर जाओ जी, ठीक है। ऐसे करते 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 यहाँ तक आवाज़ को लेके आना है जी। प्रकृति का नियम है कि जितनी जड़ गहरी होगी जी उतना वृक्ष हरा होगा और फैलेगा, ये प्रकृति का नहीं। आप नीचे को चलो जी, आपकी आवाज़ ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। कितनी देर करना चाहिए गुरुजी ये रियाज? ये रियाज शुरू में आपने 10 या 15 मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि छाती में दर्द हो जाता है जब हम नीचे रियाज लगातार करते हैं जी। तो बहुत सी संभावना रहती है कि छाती में दर्द हो जाता है। पहले दिन 10-15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट बढ़ा दो, फिर 5 मिनट और बढ़ा दो, बढ़ाते बढ़ाते इसको आप आधे घंटे से लेके 3 घंटे तक भी कर सकते हैं। मैंने तो बहुत लंबा लंबा टाइम इसको करके देखा है, इसके बड़े एक्सपीरियंस हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में लोग बताऊंगा सबको। हाँ, तो इसको लंबी सांस लेके करते जाना। अब इसके ऐसे करते करते हमने पहले इस पे आ जाना है। जब आप पहले नीचे को आप यहाँ पहले काले पे आ जाओगे तो जैसे आवाज़ आपकी ऊपर यहाँ तक जाती है या यहाँ तक जाती है, तो आवाज़ ऊपर भी बढ़ के आपकी यहाँ तक जाएगी जी, ठीक है। आप इस चीज़ को करते जाइए, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता। आप उधर ही आ जाइए कैमरा लेके।